वेलकम टू माय डेली व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ नूडल्स बनाने और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। ये है नूडल्स और ये है शिमला मिर्च, ये प्याज, ग्रीन चिल्ली सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली, धनिया पत्ता, करी पत्ता, तेल और ये रेड चिल्ली सॉस और ये नूडल्स है और स्वाद के लिए नमक। मैं इस नूडल को इस पानी में डालकर उबाल लूँगी। इसमें थोड़ा सा नमक और तेल डालकर 15 मिनट तक उबालना पड़ेगा। अब देख सकते हैं मैं इस नूडल को इस बर्तन में डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा तेल और नमक डालकर गैस ऑन कर दूँगी 15 मिनट के लिए। आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ इसमें और एक चम्मच तेल डालूंगी इसमें और इसको 15 मिनट तक अच्छे से उबालना पड़ेगा। उबालने के बाद मैं पानी से निकाल लूँगी, अच्छे से पानी से छान कर निकाल दूँगी। अब देख सकते हो इस चाउमीन को मैं अच्छे से उबाल चुकी हूँ और अच्छे से उबल गया है, बस पानी में से निकाल दी हूँ। बस अब मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ाऊँगी। अब देख सकते हैं मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। बस इस कढ़ाई में जब गर्म हो जाएगा कढ़ाई, मैं इसमें जो तेल है ना इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें इस कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं करी पत्ता डाल रही हूँ। अब इस कढ़ाई में मैं ऑनियन डाल दूँगी, जो ऑनियन मैं काट कर रखी थी ना बस वही डाल रही हूँ और अच्छे से इसे भूनना पड़ेगा, लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं मैं इसमें ऑनियन डाल चुकी हूँ, बस इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद जो शिमला मिर्च है ना इसे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो रहा है। जब ये लाइट ब्राउन थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा ना तब मैं इसमें जो शिमला मिर्च है ना वो डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें जो शिमला मिर्च काट कर रखी थी वो डाल रही हूँ इस कढ़ाई में फ्राई करने के लिए। देख सकते हैं मैं डाल चुकी हूँ और अच्छे से इसे पका लूँगी। जब अच्छे से पक जाएगा ना तब मैं इसमें जो सॉस ली हूँ ना बस वो सॉस को डालकर फ्राई कर लूँगी। करने के बाद जो चाउमीन है ना वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब देख सकते हैं अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। इसमें मैं अब जो सॉस ली थी ना उसे मैं इसमें डाल दूँगी। ये 3 चम्मच सोया सॉस है बस इसमें डाल रही हूँ, 3 चम्मच तो काफ़ी है। और ये रेड चिल्ली सॉस है, 2 चम्मच या 3 चम्मच काफ़ी है। मैं 2 चम्मच डाल चुकी हूँ और ये जो है ना ग्रीन चिल्ली सॉस है, ग्रीन चिल्ली सॉस है 2 चम्मच है, ऐसे भी काफ़ी है 2 चम्मच की, नहीं तो ज़्यादा तीख हो जाएगा। और मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं इसमें नूडल्स डाल चुकी हूँ और इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। 1 चम्मच नमक डाल चुकी हूँ और अच्छे से इसे मिला लूँगी। इसी तरह आपको भी मिलाना पड़ेगा। प्लीज़ आप भी अपने घर में एक बार बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी तरह मिलाना पड़ेगा। आप देख सकते हो मैं अच्छे से मिला ली हूँ। बस इसमें जो धनिया पत्ता मैं काट कर रखी थी ना उस धनिया पत्ता को डाल दूँगी। डालकर अच्छे से मिलाकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद
अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। धनिया पत्ता डाल चुकी हूँ और अच्छे से मिला लूँगी और सर्व करकर आप लोगों को दिखा दूँगी। आप देख सकते हैं नूडल्स बनकर तैयार है। आप भी अपने घर में एक बार बनाकर ट्राई कीजिए। प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट कर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोगों को और भी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आप लोगों को उस रेसिपी बनाकर दिखा दूँगी। आप भी अपने घर में एक बार ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है चाउमीन। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डेली व्लॉग। बाय बाय।